जयपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में स्थित विजयनगर कॉलोनी में जलभराव की समस्या लोगों के लिए गले की फांस बन चुकी है। शहर की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन कॉलोनी वासियों की तरफ से कई बार प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों से समस्या के हल के लिए ज्ञापन दिया गया, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। नगर निगम की ओर से जलभराव की समस्या से जूझ रही कई कॉलोनियों में पंप से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन बात अगर विजयनगर कॉलोनी की करें तो यहां लोग जलभराव के चलते नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि इस जलभराव की समस्या के चलते शादी विवाह भी नहीं हो रहे हैं। लोग शादी विवाह के लिए आते हैं, लेकिन जलभराव की समस्या को देखकर उल्टे पैर लौट जाते हैं। भरतपुर में जो जलभराव की समस्या है, जब से भरतपुर की स्थापना हुई उसके कई वर्षों के बाद ये प्रॉब्लम है, और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 378 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट CFCD का ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए किया है, जिसमें काफ़ी काम चल रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ आने वाले एक साल के अंतर्गत इस समस्या का समाधान बिल्कुल रूप से हो जाएगा, क्योंकि जब तक आउटर सिस्टम ड्रेनेज का कम्प्लीट नहीं होगा, तब तक इनर सिस्टम जो ड्रेनेज का कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, जिसमें 70 किलोमीटर की लाइनें नालियाँ बननी हैं। तो निश्चित रूप से बरसात होती है, ये भरतपुर की नहीं पूरे देश की समस्या है। आप बॉम्बे देखिए, दिल्ली देखिए, जयपुर देखिए, जब बरसात होती है तो शहरों में बाजारों में कितना पानी भर जाता है। तो नेचुरली भरतपुर गड्ढे में है, निश्चित रूप से आप जानते हैं जल भराव की यहाँ समस्या रहती है, लेकिन हमने प्राथमिकता देते हुए, मैं विरोधी जो इस बात की बात करते हैं, जल भराव की समस्या ये बरसों की है, मैंने तो इसको प्रायोरिटी पर लेकर के क्या स्थायी समाधान करने का काम किया, और आने वाले 1-1.5 साल के यहाँ जितने मोहल्ला जाट बन के उनका सहयोग लेंगे, और जो कोई भी वो आएगा नेता उसके सामने हम धन्नो दे करके, जैसे वो अपनी समस्या वो करेगा तो हम अपनी समस्या को रखेंगे उसके सामने, क्योंकि हमने गल्यन प्रयास कर लिए, गल्यन दौड़ भाग कर ली, कोई भी अभी तक वो नहीं आया। आज न्यूज में हूँ, 8 दिन से हो गए, 8 दिन से कोई अब कोई भी नेता या कोई अफसर या कोई भी हमारी कोई